मेहरबान कदरदान साहिबान, कस्टमर का फोन आ चुका है मेरी जान, तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी से जाऊंगा कस्टमर को लेके कानपुर और फिर 600 पैसा कमाऊंगा। बेहतरीन। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह का मौसम कितना ज्यादा खराब हो चुका है, और ये मौसम कानपुर में ही नहीं अपने लखनऊ का भी यही हाल है। तो अपने लखनऊ के ना एक रंजीत भैया है, और रंजीत भैया से अभी अभी मेरी वार्ता हुई, और उन्होंने बताया कि भाई लखनऊ का भी मौसम ना बहुत ही ज्यादा जटिल हो चुका है इस समय। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि ऐसे जटिल मौसम में ना मैं घर से निकल चुका हूं। अच्छा, तारीख की बात करें तो आज ना दोस्तों 18 तारीख है, 18 अगस्त 2023, और समय हो रहा है सुबह के 9:30, मतलब कि भाई 9:30 हैं, और भाई सुबह से ना मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। अब हम पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई ऐसे खराब मौसम में निकल के हम करेंगे क्या, क्योंकि लोकल तो हम चलाते नहीं ब्रो। जब हम नॉर्मल वैसे नहीं चलाते हैं तो हम बरसात में क्या ही चलाएंगे, क्योंकि हमने खुद से ही इतने सारे जो है लॉस बताए हैं कि भाई बरसात में क्यों नहीं चलानी चाहिए, है ना ब्रो। तो हम भी नहीं चला सकते थे, तो इसकी वजह से ना भाई पहले तो हमने सोचा कि भाई नहीं निकलते हैं। लेकिन ना उसके बाद अपने पास आता है एक फोन, और उस फोन का मतलब आप समझ गए होंगे। मेरे पास ना एक प्राइवेट राइड का फोन आ चुका है, और मैं ना बस जा रहा हूँ कस्टमर के घर पे उनको लेने। तो दोस्तों चलते हैं सीधा, समय को खराब नहीं करते हैं, और देखते हैं कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, और चलते चलते कहाँ पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद वापस कितनी देर बाद आएंगे, और पैसा कितना कमाएंगे, और बचत कितनी आएगी गैस वैस निकालने के बाद, सारा कुछ पता चलेगा। दोस्तों बस बने रहिएगा ऋषि सिंह ब्लॉग्स में। बाकी दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधा हम लोग उस राइड पे, और उसके बाद जो है उसको कंप्लीट करके ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपनी इस राइड पे ना, मतलब जो कि अपनी प्राइवेट राइड है जिसपे मैं जा रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे, उस पे अपनी बचत कितनी आई है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप बारिश जो है वो बंद होने का नाम ले नहीं रही है, और इस घर पे मैं ना लेने आया हूँ सर को। और सामने देख सकते हैं एक वरना खड़ी है, और उसके अलावा देख सकते हैं एक हुंडई की ना i10 भी है, शायद i10 है, सेंट्रो है, i10 ही है ब्रो, है ना। और अमीरी देख रहे हैं आप, दो दो गाड़ी होने के बावजूद जो है मैं लेने आया हूँ सर को। मतलब भाई पैसा हो तो इतना ही हो, अन्यथा ना हो। काटने की जो कला है वो भी भाई तुम्हारे ऋषि भाई जैसी हो, वरना ना हो। भाई मतलब यार ये वाले जो भैया है ना जिनको मैं लेने आया हूँ, जो कस्टमर है अपने जो सर है भाई, वो भी पता है हमको ओला से ही मिले थे ब्रो, है ना। तो मतलब मिले थे लगभग, हो गया हमको 1.5 साल हो गया लगभग, है ना। और उसके बाद इनको भी जो है सर को कई बार जो है हम लेके जाते हैं, मतलब 2-3 महीने में 1-2 बार तो चक्कर लग ही जाता है ब्रो लखनऊ का, है ना। तो ये चीज है, तो इसी की वजह से ना मैं हमेशा बोलता हूँ भाई आप जो है आराम से, जैसे अगर आपने सपोज मान लीजिए अभी गाड़ी निकाली और काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ना आप इतना ज्यादा निराश नहीं हो, आराम से जो 2-4, 5, 6 महीने आप दो कम से कम काम को, और धीरे धीरे ना अपने प्राइवेट कस्टमर भी जनरेट करो। और जैसे ही आपका वो वाला सीन बन जाता है ना कि महीने में 10-12-15 काम प्राइवेट आ गया और 10-12 दिन हमने ओला चला ली, तो आपका जो मैटर है ना वो सॉर्टेड हो जाएगा। मतलब कि आपका काम वाम बढ़िया आसानी से चलने लगेगा, आपके खर्चे बहुत आसानी से निकलने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सर जो है वो आ रहे हैं 5 मिनट में, तो उनके आने के बाद जो है उनको लेके चलते हैं सीधा हम लोग कहाँ पे, लखनऊ की प्राइवेट लगी है मेरी जान। चलिए दोस्तों है ना, वेट करते हैं और उसके बाद जो है सीधा चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में कहाँ चलना है ये देखना है यार, अभी बताया नहीं सर ने, सर ने यही बोला था कि ऋषि लखनऊ चलना है तो आ जाना। ठीक है ब्रो, तो वेट करते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैं ना पहुंच चुका हूँ लखनऊ, और लखनऊ में लेके आया हूँ मैं पिकैडली। एक्चुअल में हमको लगा ये वाला गेट बाहर निकलने का है, क्योंकि हमने सर को ना यहीं पर ड्रॉप किया है। अब सर अपना काम करेंगे और उसके बाद जो है वो फोन करेंगे 1.5 घंटे बाद, तब हम उनको वापस से लेके जाएंगे। तो हमें क्या लगा ये वाला भाई आउट वाला गेट है, इससे निकल जाएंगे, लेकिन वो बंद है भाई, तो फिर से बैक करनी पड़ी पूरी। तो हमने क्या सोचा ना दोस्तों, यहाँ पे भी हम खड़ी करके वेट कर ही सकते हैं, लेकिन यार सीन क्या ना कि बाहर ज्यादा सही रहेगा, है ना ब्रो। तो इसकी वजह से ना मैं पिकैडली से जो है बाहर जा रहा हूँ। पिकैडली दोस्तों जो लखनऊ में मेरे भाई रहते होंगे उनको तो पता ही होगा, आप लोगों को शायद पता होगा दोस्तों पिकैडली यहीं पे है, ये अपना अवध चौराहे के पहले राइट हैंड साइड पे। तो चलते हैं बाहर और उसके बाद जो है वेट करते हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको जो समय है ना वो 2:37 होने जा रहा है, और जो ड्रॉप था ना वो मैंने किया है लगभग 1 घंटे पहले, नहीं भाई मैंने किया था 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे से लेके 2 1 घंटे, और 2 से होने जा रहा है 3, मतलब के 20 मिनट बाद 3 बज जाएगा, तो भाई 2 घंटे हो जाएंगे। मे भी हमें लग रहा है कस्टमर जो है ना उनका फोन आने वाला होगा, बिकॉज उन्होंने यही बोला था जो सर थे अपने के ऋषि हमको बहुत ज्यादा 1.5 घंटा ही लगेगा।
तो देखो क्या होता है, कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। हम सोचे 3 बजे तक उनका फोन आ जाए यार, तो 3 बजे यहाँ से निकल चले तो टाइमली ना कानपुर पहुंच चलेंगे, है ना ब्रो। तो बस यही है, बाकी वेट ही कर सकते हैं, और कुछ तो ऑप्शन में है नहीं, है ना ब्रो। तो करते हैं वेट, और बाकी जैसे ही फोन आता है फिर मैं आपको तुरंत बताऊंगा जब यहाँ से निकलूंगा, ठीक है। मेहरबान कदरदान साहिबान, कस्टमर का फोन आ चुका है मेरी जान, तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी से जाऊंगा कस्टमर को लेके कानपुर और फिर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। बेहतरीन। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी सारी गाड़ियां खड़ी पकड़ के अंदर, और ये है रास्ता, और यहाँ से मैं लूंगा लेफ्ट टर्न और मुझे मिल जाएंगे अपने कस्टमर। तो रखते हैं फोन को जेब के अंदर। फाइनली ना मैं कानपुर पहुंच चुका हूँ, और कस्टमर को भी ना मैंने ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप करके ना भाई मैं अपने घर की तरफ निकल चुका हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं ब्रो। बात ये ना, हम सोच रहे हैं कि अभी यार बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, मतलब कि 5:11, हाँ 5:11 है। तो हम क्या सोच रहे हैं भाई कि अभी 5:11 है, तो यार थोड़ा सा ना यहाँ पे आगे चल के ना मेन रोड पे जा करके फिर जो है भाई लोकल ऑन कर ले, तो अगर हो जाती हैं और टाइमली मतलब आ ही गए हैं तो 2-4 बुकिंग अगर आ जाएंगी तो सोचा यार कर ही लें, क्योंकि गैस अभी पड़ी हुई है। सुबह 700 की डलाई थी, अभी 1 पॉइंट पूरा ऊपर है, मतलब रिजर्व से ऊपर, ठीक है, क्योंकि गैप भी पे कैटली तक ही थे यार ब्रो, है ना। तो इसकी वजह से यार गैस पड़ी हुई है, तो हम सोच रहे हैं इस गैस को जो है यूज कर लिया जाए 1-2 राइडें मार के, तो और पैसा आ जाएगा। क्योंकि यार जो पेमेंट थी ना वो हमने कस्टमर जो थे अपने सर उनसे केवल यार 2500 रुपये लिए हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा उनको रुकना भी नहीं था, बहुत ज्यादा अंदर जाना भी नहीं था, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट से केवल जो है 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गए थे यार ब्रो, है ना। तो इसकी वजह से हम सोचे ना यार कि कोई दिक्कत नहीं यार, 2500 भी ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। और 2500 में अगर हम लोग अपना हिसाब लगाएं ना, तो 650 की गैस, 150 का टोल लग गया, तो मान लो आपके जो है 650 और डेढ़ अपना 800 रुपये खर्चा जो है हुआ है भाई। 2500 में 800 अगर हम लोग घटाएंगे भी ना, तो भी भाई अपना कितना हो जाएगा, लगभग 1700 रुपये बचेंगे। तो भाई 1700 रुपये जो है बच गए अपनी इस वाली राइड में, ठीक है। और अभी अपना रिजर्व से ऊपर गैस बची हुई है, ठीक है। तो अगर 1-2 राइडें हो जाती है, मतलब 100-200-300 का काम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप ये मान लो कि जो है 2000 के आसपास का फिगर चला जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो भी कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि 1700 रुपये तो अपने बचे गए हैं ब्रो, है ना। तो ना अभी जो है डिवाइस को ऑन करते हैं लोकल की, और उसके बाद जो है फिर हम लोग ना लोकल राइड देखते हैं, क्या पता है 100-200 का काम हो ही जाए, है ना ब्रो। तो अभी तक का अपना काम 1700 रुपये की बचत का हो चुका है, आगे देखते हैं अगर राइड आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा जितने की जितनी भी राइडें आएंगी और जितने का भी काम और होगा, ठीक है। और अगर नहीं होती है मैं घर जाऊंगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, जैसा भी होगा कुल मिला के मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ना आधे पौन घंटे का वेट करने के बाद जाऊंगा। इस बीच में अगर लोकल राइड आ जाएगी तो कर लेंगे, नहीं आएगी तो फिर घर निकला जाएगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूंगी, शाम के ना 6:10 होने जा रहा है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई हम सोच रहे हैं कि लोकल चला लें 1-2 राइडें, लेकिन भाई इतिहास गवाह है, जो सोचा है वो घंटा नहीं होता है। तो भाई इसी वजह से ना अपने पास राइड तो आई लोकल की, लेकिन ना वो या तो यार पता है 4 किलोमीटर से आ रही, 3.5 किलोमीटर से आ रही, अच्छा जो पास से आ रही उसका जो पिकअप ड्रॉप लोकेशन है वो उतना सही कुछ है नहीं यार, तो मजा नहीं आ रही यार ब्रो, है ना। तो इसकी वजह से ना 6:10 हो गया, मतलब 1 घंटे से बैठे हुए हैं। तो भाई अब जो है अंदर से हो रही खुजली, और वो खुजली जो है हम मिटा देंगे, मतलब कि हम सीधा जा रहे हैं घर भाई। तो अभी ना यार फर्जी का समय खराब करेंगे नहीं, कल देखा जाएगा जो होगा। फालतू का समय खराब हो रहा है यार, काम वाम आ नहीं रहा है, और फालतू में जो है 1 घंटा देखो यहाँ पे खड़े होके देख लिया यार, कुछ मतलब मजा नहीं आ रही यार ब्रो, है ना। और काम भी कोई सही साइड आ नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ना चलते हैं सीधा घर, और व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, और देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। और आखिरी में मैं बता दूं आपको, जो अपनी आज की बचत है ना वो वही 1700 रुपए ही है, जो कि अपनी लखनऊ की राइड थी वो, बस इसके अलावा और 1 रुपए की नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। अब गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फिर से।